प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया के कारण भारत की न्यायिक व्यवस्था को मिली और मजबूती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में पीएम का संबोधन। भारत में 18,000 अदालतों के कंप्यूटरीकरण पर जताई संतुष्टि। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यायिक सुगमता की दिशा में तेजी से चल रहा है काम, एक स्मारक टिकट भी किया जारी। प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को चक्का जाम से रखा गया है दूर। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन के प्रवेश व निकासी द्वार एहतियाती तौर पर बंद। आम बजट में की गई घोषणाओं और उनके फायदे बताने के लिए देश भर में केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, स्वास्थ्य और कल्याण सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण। सूचना प्रौद्योगिकी पावर के बाद अब फार्मा पावर के रूप में उभर रहा है भारत। पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता के राज में बेहाल है किसान। आज से बंगाल में शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन रैली। 20 करोड़ से अधिक कोविड सैंपल की जांच के साथ भारत के नाम नई उपलब्धि। 54 लाख के पार पहुंची टीकाकरण की संख्या। सिर्फ 21 दिनों में 50 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने वाला भारत पहला देश। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। चुने हुए नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतरे। सैन्य शासकों ने अगली सूचना तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस फिर से शुरू होने से लोगों को मिली काफी राहत। लोगों ने 4G सेवा की बहाली के लिए सरकार का जताया आभार। अब खबरें खेल जगत से। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेहमानों की स्थिति और मजबूत। कप्तान जो रूट और बेन स्टोक के बीच मजबूत साझेदारी से इंग्लैंड का बड़ा स्कोर।